ओके जी, कर रहे हैं क्लास स्टार्ट। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। हो गया क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 2, पेन बॉक्स एंड फोन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू निकालनी थी। ठीक है, मेरे को बता दो पहले का क्या आया है। 3/30। अगले का -2/30। अगले का -1/30। देखना आया है, बाकियों का भी यही आंसर आया है। अगर इसकी जर्नल एंट्री करनी हो तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी वैसे ही? ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को टिक करो। क्वेश्चन नंबर 2A देखो, क्या गलती से मैंने बना दिया है या क्वेश्चन नंबर 2A अलग है? बाकी सारा क्वेश्चन देखना सेम है। ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 2:1। अब क्या निकालनी है? गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होएगा? करो सॉल्व, करो, देखो क्या आंसर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2A का न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि गेनिंग रेशियो निकालनी है। देख फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब जैसे पहले हमने सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है। हाँ, ये गेन है, मैं वही समझा रहा हूं ना, मैं वही समझा रहा हूं। अगर सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाओगे और आंसर माइनस में आया तो मतलब वो गेन है। अब हम गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं, गेनिंग रेशियो का, तो जो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा वो गेन होगा, जो नेगेटिव में आ जाएगा वो। पहले पार्टनर का नेम बोलना, पहले पार्टनर का नेम। पेन की न्यू रेशियो बोलना। पेन की रेशियो हो जाएगी 2/5 -3/6। तो ये हो जाएगा 30/12/15 -3/30। मैंने फॉर्मूला देखो ऊपर गेनिंग रेशियो का लगाया है। डिंपल सुन लो एक बार, फॉर्मूला मैंने गेनिंग रेशियो का लगाया है, आंसर आ गया माइनस में, तो मतलब इसने सेक्रीफाइस की है। सिंपल सी बात है, जिस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे अगर पॉजिटिव में आ गया तो वही है, नहीं तो अपोजिट। पेन के बाद दूसरा पार्टनर्स का नेम, बॉक्स की न्यू रेशियो 2/5 -2/6, तो ये आ जाएगा 3। देखना 2/30 आ रहा है। अब गेनिंग का फॉर्मूला लगाया और आंसर प्लस में आ गया, मतलब माइनस में नहीं आया, तो मतलब सच में उसको गेन ही हुआ है। ऐसे ही तीसरे का क्या आया? 1/30, तो उसका भी पॉजिटिव में ही आया होगा, मतलब गेन आया होगा। तो क्वेश्चन चाहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आए, गेनिंग रेशियो आए, सेम ही आना है। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 2A में, गर्व इधर, क्वेश्चन नंबर 2A में सैक्रिफाइस आया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सैक्रिफाइस ही आया था, सिर्फ एक वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस में आ गया। वहां पे फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का लगाया, यहाँ पे गेनिंग का। चेंज कुछ नहीं होगा, सारा कुछ सेम का सेम ही है। आ गया वो क्वेश्चन नंबर 4 पे। ललन एंड टोप आर पार्टनर्स। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पहले, मैं भूल गया था, मेरे को लगा 3 हो गया। पहले 3 करेंगे। ABC आर पार्टनर्स, देखते हैं जी ये क्वेश्चन किसको समझ में आता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 3 ABC आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो बोलो कितनी है। अब ध्यान से पढ़ लेना, इंग्लिश काम में आएगी। ए गेव 2/7 फ्रॉम हिज शेयर। ए ने अपना 2/7 किसको दे दिया? देखते हैं, नहीं, ए गेव 2/7 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी गेव 1/7 फ्रॉम हिज शेयर टू सी। ए ने भी सी को दिया है, बी ने भी सी को दिया है। सी का नया शेयर पता कैसे आएगा? दोनों प्लस कर देना, जितना उसके पास ओल्ड था, जितना उसके पास ओल्ड था प्लस जो ए से और बी से मिले। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 1,40,000। निकालना क्या क्या है देखना, ऑब्वियस है ना, न्यू रेशियो तभी निकलेगी। अब देखो निकालना क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो एंड पास द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी यार? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है नहीं, न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। 1/15 निकाल ली है, तो मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, न्यू रेशियो। सर न्यू रेशियो का ना आपने फॉर्मूला नहीं लिखवाया। ठीक है, मैं अभी भी नहीं कहता कि न्यू रेशियो का कोई फॉर्मूला होता है, लेकिन कैसे बन सकता है? अगर मैं ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दूं,
सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ना, ओल्ड माइनस न्यू, उसको इक्वल टू के इधर उधर ले जाओ, वो तो हो गई मैथ की बात। मैं आपको बता रहा हूँ सीधा दिमाग की बात। न्यू रेशियो निकालने का मतलब है मेरे पास पहले कितना था और मैंने कितना सरेंडर कर दिया, मतलब कितना दे दिया। ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स के नेम क्या है, ललन नहीं, ए के पास ओल्ड शेयर कितना था, 3/7। उसने अपना कितना हिस्सा सी को दे दिया है, तो उसमें से माइनस कर दो, 3/7 माइनस 2/7 इज इक्वल टू 1/7, न्यू रेशो आ गई। कहने को फॉर्मूला है कुछ नहीं, जितना उसके पास पैसे थे, ऐसे समझ लो यार 3 रुपए थे, 3 रुपए में से 2 रुपए उसने किसी को दे दिए, कितने बच गए, 1 रुपए। ये देखो 1 रुपया ये है। गुरु की रथ को समझ नहीं आया, और किसको समझ नहीं आया, आगे। आ गया समझ खुशकरण, आपको आ गया समझ। न्यू रेशियो निकालनी है पहले, क्योंकि क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग भी निकालनी है। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, न्यू है ही नहीं तो पहले न्यू निकाल लो। न्यू कैसे निकालेंगे, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो। इधर देखो फॉर्मूले का पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला बोलना कोई मेरे को। इसी एक स्टेटमेंट से तीनों फॉर्मूले निकल जाते हैं, मेरे को क्या निकालना है न्यू का। अगर मैं न्यू को इक्वल टू के इधर ले आऊं तो पॉजिटिव में बन जाएगा ना, वो पॉजिटिव में बन जाएगा, ओल्ड वहीं का वहीं है, और फिर सैक्रिफाइस को तो इक्वल टू के इधर लेके आना पड़ेगा, सैक्रिफाइस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो न्यू का फॉर्मूला बन गया ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। मेरे को ऐसी चीजें समझाने में बिल्कुल मजा नहीं आता कि जब मैं आप लोगों को बिल्कुल मैथ सिखा रहा हूँ या रूल सिखा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मतलब नॉर्मली अगर आप कॉमन सेंस लगाओ ना, नॉर्मली आप कॉमन सेंस लगाओ, पहले मेरे पास कितने पैसे होते थे, उसमें से मैंने कितना किसी को दे दिया, तो जो बाकी बच गया वो नया है, नया मतलब अपडेटेड, तो इसलिए न्यू का फॉर्मूला हो गया ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। पहले मेरे पास 3/7 था, उसमें से मैंने कितना हिस्सा अपना दे दिया, 1/7। जब मैं अपना हिस्सा किसी को दे दूंगा, इधर 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 मेरे पास ध्यान दो यार, जब मैं अपना किसी को पैसे दूंगा, मेरे पैसे कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे तो माइनस कर दो 2/7। बी के पास ओल्ड शेयर कितना था, उसने कितना दिया, तो इसके पास भी कितना बच गया। अच्छा, सी की न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, प्लस 2/7 प्लस 1/7, जैसे मर्जी कर लो, कितना बन गया 5/7। टोटल 7 रुपए हैं, 7 रुपए में से 1 रुपया इसके पास है, 1 रुपया इसके पास है, 5 रुपए इसके पास है ना। अब मेरी न्यू रेशियो क्या बनी है, न्यू रेशियो लिखो, न्यू रेशियो हो गई 1:1:5, ये आ गई न्यू रेशियो। ओल्ड मेरे पास देखो सी का, देखो ना सी के पास 2 रुपए तो पहले ही हैं पड़े ना ओल्ड के, ये वाले उसको मिले ए से, ये वाले मिले उसको बी से, तो सी के पास 2 रुपए थे, 2 रुपए उसको ए से मिल गए, हो गए 4, 1 रुपए उसको 5 से मिल गए, हो गए 5। सी के लिए तो ये देखना है ना, उसके पास अब टोटल कितना पैसा हो गया है, आ गया समझ इंदर। अब मेरे पास न्यू रेशियो आ गई है, अब निकाल लो सैक्रिफाइस। ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला ठीक लिखा है, देखना मैंने, ए की ओल्ड रेशियो थी 3/7 माइनस 1/7। ओ माई गॉड, ये तो ऊपर वाली आ जाएगी यार, उसी को यूज करके, 2/7 को यूज करके तो न्यू निकाली थी, अब उसी को यूज करके सैक्रिफाइस निकाल रहे हो, वही का वही आएगा। बी का देखो कैसे आएगा, 2/7, उसने कितना हिस्सा दे दिया था, 1/7, तो 1/7। भाइयों और उनकी बहनों इधर ध्यान दो, इधर देखो, अब जो ये लिखा हुआ है ना, अब आपको एक लाइन पढ़ना सिखाता हूं मैं, ये वाली लाइन देखो, ए गेव, गेव का मतलब मिलना या देना, मतलब मैं इसको सैक्रिफाइस भी बोल सकता हूँ ना, मैं दे रहा हूं मतलब सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। ए गेव 2/7 फ्रॉम हिज शेयर, बी गेव 1/7। ए 2/7 और 1/7 दे रहा है, वो देने को इंग्लिश में बोल लो सैक्रिफाइस, यही तो आना था, ऑटोमेटिकली यही आना था, ये जान के मैंने आपको करवाई थी, लेकिन अगली बार पेपर में आए ना तो लिख देना 2/7 1/7 सीधा ही, जो दे रहे हैं वही, उसी को तो सैक्रिफाइस बोलते हैं। किसको आया समझ, तो वही लाइन है, वो सैक्रिफाइस है, वो आप फॉर्मूले में निकाल रहे हो, क्वेश्चन ने आपको निकाल के ही दे दी थी कि 2/7 और 1/7 दे दी थी। ठीक है जी,
अब निकालनी है गुडविल, गुडविल की जर्नल एंट्री बोलो। इंद्रजीत फॉर्मेट में, फॉर्मेट में एंट्री। गेनिंग टू सेक्रीफाइस तो ठीक है, गेन किस किस को हुआ था? सिर्फ सी को। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। खुशकरण टू देख लो कहां पे डाल रहा हूं मैं, थोड़ी स्पेस छोड़ के, नहीं तो टीचर मार्क्स काट सकता है आपके। तो टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। गुडविल बोलना फर्म की कितनी है? 1 लाख। 1,40,000 का। इसको कितने का गेन हुआ था? 3/7 का हुआ था शायद, 2/7 इसको ए से मिला था, 1/7 बी से मिला था, टोटल 3/7 हो गया ना उसका गेन। ये कितना आएगा? 60,000। 1,40,000 का 2/7 कितना आता है? 40,000, 20,000। पीछे आंसर मैच करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया है। 4 के साइड पे लिखो होमवर्क, ललन टॉप वाला क्वेश्चन। ललन टॉप होमवर्क, अनु बाला शेयर प्रॉफिट, दिस इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रीश मनीष मनीष। क्वेश्चन नंबर 4 ए होमवर्क। ग्रीश मनीश हरीश्वर पार्टनर्स, देखना ये ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा दिखा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है? कौन से चैप्टर में करते होते थे? गुडविल वाले। ग्रीश मनीष हरीश्वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड बिजनेस। मनीष मनीष देखना कौन से वाला पार्टनर हुआ, पहला दूसरा तीसरा? दूसरा। डिवोटिंग मोर टाइम, ही डिमांडेड दैट हिज शेयर इन द प्रॉफिट टू बी इंक्रीज्ड, टू विच ग्रीश एंड हरीश एग्रीड। और न्यू रेशो बन गई 1:1। मतलब बेकार की लाइनें दी हुई हैं यार, ओल्ड रेशो दी हुई है, न्यू रेशो दी हुई है बस। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म और पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। सर हमें नहीं आता, आप ही करा दो, कैसे करते होते थे इसको? क्वेश्चन नंबर बोलना एक बार, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्या निकालते थे? क्योंकि पहले गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी ना। लिखो जी एवरेज प्रॉफिट। ध्यान देना, एक एक वो दिया हुआ है, लॉस वाला ईयर दिया हुआ है। 4 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 7,33 माइनस 33 प्लस 2,20। 7,33 में से 7,11,000, 7,11,4,15,80। खुशलीन क्या आया टोटल पांचों का? हाँ इन द टोटल 18 लाख। मेरा गर्व, मेरा 18 लाख आ रहा है यार, देखियो 18 लाख हो गया ना। हाँ डिवाइड बाय 5 या 4, लॉस वाले ईयर को भी लेते हैं। ठीक है तू भी कर ले, तेन भी चंगा लगेगा। 3,60,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया, 3,60,000। ये गुडविल है कि भाई एवरेज प्रॉफिट है? गुडविल किस मेथड से निकालनी है? मल्टीप्लाई बाय 2। 7,20,000। ठीक है जी, चलो गुडविल आ गई। क्वेश्चन में निकालना क्या था? फर्स्ट पार्ट देखो हो गया ए पार्ट, ठीक है ए पार्ट हो गया गुडविल ऑफ द फर्म। बी पार्ट क्या निकालनी है? बी पार्ट जर्नल एंट्री, गुडविल की जर्नल एंट्री किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालो फिर। ओल्ड ग्रीश मनीष, ग्रीश मनीष हरीश 1:1:1। न्यू रेशियो क्या है? 1:1। यही मनीष ही तो मांग रहा था कि मेरे को ज्यादा हिस्सा दो, पहले उसको 1 रुपया मिलता था, अब 2 रुपये मिल रहे हैं। पहले का देखना 1/12 आया है, ठीक है 1/12 सैक्रिफाइस आया कि गेन आया?
फॉर्मूला सैक्रिफाइस का निकाला है और पॉजिटिव आंसर निकल रहा है तो सैक्रिफाइस। ग्रीस के पास टू बाई 12, टू मैंने क्या किया ऐसे। तीसरे का आंसर क्या आना चाहिए? 1/12 पॉजिटिव का मतलब सैक्रिफाइस का। आ भी गया है ये, मैंने गुरु की रस से सीखा है, उधर से ऊपर से पता चल रहा है ना 1/12। ओ दूसरे का 1/12 आएगा, करना की है बस। टीचर नु पता है, टीचर से आना असी आलसी सीबीएसई च ना करें। सीबीएसई से वो तो एक दो क्वेश्चन है लिखा ही, वैसे वो तो पता ही है वो आ ही जाऊगा। एंट्री बोलो जी, एंट्री क्या बनेगी? ग्रीष डेबिट, क्यों? अच्छा गेनी, ओके सॉरी सॉरी मनीष। अब ठीक है, टू ग्रीश टू हरीश। गुडविल ऑफ द फर्म क्या थी? 7/20। इंद्रजीत फॉर्मेट गर्व चेक करता चला जाए नाल नाल। अगला कितना आएगा? अच्छा अब इस वाले ना एंट्री कर लो, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से। जिस अभी जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं ना, जिसने ये वाला आंसर बता दिया ना, है बड़ा बेसिक सा, बड़ा सिंपल, कोई सोच विचार वाला भी नहीं है मेरी तरफ से, मतलब उसके लिए रिस्पेक्ट ना मतलब अंदर तक भर जाएगी, क्योंकि वो चीज ना मेरे को समझाने में, जैसे मैं वो पेज नंबर समझाने में हो जाता हूँ ना, कि एक पेज छोड़ने के दो पेज, तो ये भी मेरे को वैसा ही समझाना मुश्किल लगता है। स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है अभी? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला दिख रहा है? क्या क्या आंसर निकले हुए हैं स्क्रीन पे देखना। पहले का क्या है? सैक्रिफाइस। दूसरे का, तीसरे का, अब एक लाइन बोलने वाला हूं। एक होता है सैक्रिफाइसिंग शेयर, एक होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखना दोनों सेम है या क्या फर्क है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या है? एक मिनट एक मिनट। हाँ डिंपल तू बोल, क्या है इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1/12, 1/12, 1/1, 1/1। लवू दे तू बोली, सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या है इसी चे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? नहीं इधर बोलना, ये सामने लिखे हुए है, इसी चो बोल, इना ही चो, ये जड़ा गोला मारता इना ही चो बोल बस। इसी सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या है ते सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? तू दस। पर 1/2 बोल रहे, 2 तो गेन है। नहीं नहीं गर्व, प्रिया सेम क्या? सेम टू सेम, इधर आला उधर आला पीछे आला। अब ध्यान से सुन लो जी, खुशलीन बिल्कुल ठीक था, गुड वन, गर्व तेरा भी ठीक था। ये जो 1/12 है ना, चाहे अब हिंदी में लिखना शुरू कर दो चाहे कुछ भी है, डिंपल अब सुन ले, कई बार ना चीजें आती होती है हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट में तो वाइवा होना है ना, 5 नंबर का 10 नंबर का, वाइवा वाले में थोड़ी कहोगे सर आता है लिखवा के देख लो, वो कहते लिखवा के 80 नंबर का पेपर देख लूंगा, प्रैक्टिकल फाइलों की लिखवा के देख लूंगा, वाइवा तो सुनाना ही पड़ेगा ना। तो जो चीज आपको आती है बोलनी भी आनी चाहिए।
जो 1/12 है ना, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर। ये है सैक्रिफाइसिंग शेयर। जो -2/12 है वो है गेनिंग शेयर। शेयर का मतलब होता है सिर्फ उसी का हिस्सा। और जब मैं बात करता हूं ना रेशियो की, रेशियो होती है पार्टनर्स की, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुई, 1:1। जैसे ये है ना 1/12, 1/12 नीचे वाला डिनोमिनेटर बराबर है, उसको काट दो तो बच क्या गया, 1:1। तो जब आप 1:1:2, 2:2:2 कुछ भी बोलते हैं उसको बोलते हैं रेशियो। रेशियो मतलब कि सारे पार्टनर्स की इकट्ठी बोली जाती है। शेयर मतलब एक पार्टनर का अपना हिस्सा बोला जाता है। तो एक बार फिर से बोलो, सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या है इसमें, 1/12। गेनिंग शेयर क्या है, -2/12 या 2/12। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 1:1। तो एक ये लाइन याद रखनी है। क्यों बता रहा हूं, 2 मिनट 3 मिनट क्यों वेस्ट कर दिए, आने वाले 2 महीनों में ना, इस वाले चैप्टर में तो ये क्वेश्चन 3-4 है ना, अगला एडमिशन चैप्टर करेंगे उसमें कम से कम 40 क्वेश्चन पहले इसी के हैं रेशियो के। जैसे अभी लिखा हुआ है ना 2/7 फ्रॉम हिज शेयर, अगले वाले चैप्टर में तो वो मैथ काम आने लग जाएगा। मेरी +1 +2 का सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट वही होता है, रेशियोज निकालने। तो कभी रेशियो आ जाएगा, कभी सैक्रिफाइस आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। पांचवा हो गया मेरा, उसके बाद 6वां क्वेश्चन, फैन वॉच दिस, फिफ्थ होमवर्क। होता रहता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें यार, इस बात को नहीं पकड़ना, आगे पकड़ो। तनु अनु मनु वन वन तनु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, पहले किया हुआ है, देखो एक बार। फाइव ए फाइव बी होमवर्क हो जाएंगे। मैं होमवर्क वाले सारे क्वेश्चंस आपको लिखवा दूंगा, ये नहीं है कि वो कल का होमवर्क होगा, 2 दिन में बांट दूंगा, 3 दिन में बांट देंगे, जैसे भी होगा। 6 तभी कर रहे हैं यार, मेरा मन नहीं लगता यार आप लोगों के बिना ना, फिर छुट्टी करके मैं क्या, कौन सा कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अन्नू ओ इधर भाई, इधर तू इधर देख, फिर तेन क्वेश्चन नहीं पता चलना। ओ सियाणा है भाई साहब, वो पता की बंदा है, बाद ही दसूंगा क्योंकि अजय समझ नहीं आ रहे से क्या बोला। अनु मनु तनु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 1:1:1। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर तनु विल गेट 1/5 शेयर। सिर्फ तनु का शेयर दिया हुआ है। ऑन द डे ऑफ चेंज ऑफ फॉर्म्स गुडविल 15,000 मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू न्यू है नहीं, अब कैसे निकाला। हाँ हाँ बड़े सियाने बन रहे हो मेरे सामने, रुको अभी एक क्वेश्चन उठा के मारता हूं ना। अभी आप लोगों ने बोला ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1:1। न्यू क्या नाम है पहले का, अन्नू, दूसरे का क्या है, तीसरे का तन्नू। तन्नू का न्यू शेयर गिवन है, आप कह रहे हो 1/5, इसलिए सर हमने दिमाग लगा लिया 2:2, तो 2:2:1, ये तो बन गई बात है ना, बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी गलती भी नहीं है। अरे भाई उनकी रेशियो थोड़ी चेंज हुई है, अगर तू एक डिंपल कह रहा है, देखो वैसे तो ये रेशियो ठीक है, डिंपल कह रहा है 3:1:1 भी हो सकती है, नहीं हो सकती, फिर इन दोनों की भी तो रेशियो चेंज हो गई। ऐसे तो ओल्ड रेशियो तो इक्वल है ना, यहाँ पे भी देखो ओल्ड रेशियो इक्वल है, दो दो को काट दे, रेशियो सिर्फ थर्ड वाले की चेंज हो रही है, जो तू बोल रहा है ना 3:1:1, तूने तो सबकी चेंज कर दी रेशियो। लेकिन ये था एक तुक्के वाला काम, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, रेशियो है 1:3, ठीक है जी, ओल्ड रेशियो 1:3। अभी जिस जिसने दिमाग लगाया ना अब लगाना, न्यू रेशियो इसकी है 1:9, अब बताना। हाँ करके दिखा दो, करके दिखा दो, 30 रुपीज का एक एप्पल लेके आए हूँ फ्री। हाय हाय सीधा निब टूटी है, हाय हाय। 4:4 कैसे आ जाएगी, 4:4 तो इक्वल हो गई। 4:6 लगा लो दिमाग आज, ए लो 3:5। किसने बोल दिया, क्या प्रूफ क्या है,
कुछ साबित कर सकते हो 3 5 है। और बोलो तू क्या बोल रहा था, किसी ने बोला था 4 4 1। यार फोर गुड, चल कम से कम इतना तो समझ आ रहा है। इधर देख, इधर 1 2 है रेशियो यार, इधर 4 4 इक्वल करते तो था। ए लो जी 2 6 6 2 बोल दो कोई। कहने का मतलब क्या है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। कहने का मतलब ये है, जो क्वेश्चन आपको 1/5 ये निकाल के दिया हुआ है ना, ये उन्होंने सोल्व करके दिया हुआ है। इस बात को कोई वो मत कर लेना कॉलर ऊपर की, भाई 2 2 1 मैंने बोली थी, वो क्वेश्चन ही निकाल के दे दी थी 1/5, ऊपर रेशो सेम है तो उसको डबल कर दिया जाए। हाँ अब मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको निकालते कैसे हैं ये रेशो, वो वाली भी सिखाऊंगा। चलो पहले यही सिखा देता हूँ, हो सकता है उसमें कुछ बन ना पाए क्योंकि मैंने फिगर मतलब से ले ली थी, लेकिन आपको मैं रूल सिखाता हूँ, रूल होता क्या है। हाँ मैं सिखा देता हूँ होता कैसे है। ओल्ड रेशो मेरे को दी हुई है, ओल्ड रेशो दी हुई है 1:2:3, न्यू रेशो सिर्फ एक बंदे की दे दी, ठीक है। अब मेरे को पहले निकालना पड़ेगा रिमेनिंग कितनी बच गई है। अब ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन, हाँ ये आप लोगों ने ठीक निकाला, लेकिन 8/9 निकाला कैसे, ठीक है। अब देख लो, अब पहला क्वेश्चन आ रहा है, अगले चैप्टर का पहले ही करा रहा हूं मैं, एडमिशन चैप्टर ये शुरू हो रहा है समझ लो, उसमें बड़े सारे ऐसे आएंगे। पहला क्वेश्चन ऐसा है जहां पे मैं अब आपके सामने वर्ड यूज कर रहा हूँ लेट, तो आपको सबसे पहले एक फिगर माननी पड़ेगी, और अकाउंट से सबसे सिंपल फिगर मांगता है 1, ठीक है। लेट वो कह रहे हैं, एक बार के लिए ऐसे समझ लो टोटल शेयर यानी कि टोटल प्रॉफिट है 1, तो रिमेनिंग शेयर अगर बिजनेस का टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से 1/9 आपने सी को दे दिया, टोटल शेयर 1 है, किसी को ये पता है ना 1/9 छोटा होता है, नहीं तो बच्चे होते क्या लगता है 1/9, 1 में से 1/9 कैसे चला जाएगा, 1/9 छोटा होता है, तो 1 में से 1/9 माइनस कर दूंगा ना मैं, तो आ जाएगा 8/9। तो ये 8/9 पता है किस किस का हिस्सा बच गया, ए और बी का है सर। बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ बोलो एक बार, अब फिर अभी आपको समझने में आपको मजा नहीं आ रहा है, या अभी या इंटरेस्ट नहीं ले रहे, पूरे बिजनेस का प्रॉफिट कितने है 1 में से मेरे को एक बंदे का शेयर तो दिया हुआ है, ए का बी का या सी का, तो अगर मैं टोटल में से टोटल बिजनेस का प्रॉफिट 1 है, उसमें से सी का माइनस कर दूं 1 - 1/9, तो रिमेनिंग शेयर किस किस का बच गया, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी 8/9। अब इसमें से मैं ए का न्यू रेशियो निकाल लेता हूं, ए की न्यू रेशियो कैसे निकलेगी, कहते जो बच गया ना 8/9 बचा हुआ है, उसको उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, इनकी रेशियो क्या चल रही थी आपस में 1:2, कहते इनकी हम रेशियो 1:2 ही रखेंगे, तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो 8/9 × 1/3, और बी के लिए कितना बचा, बी के लिए बचा 8/9 मल्टीप्लाई बाई बी का शेयर कितना था 2/3, नहीं मैं बताता हूं 8/27, 16/27, और इसको भी 27 के बराबर करने के लिए इक्वल ले चलो, नहीं उसका हिस्सा कितना था 1/9 था ना, 3/3, सी का हिस्सा 1/9 था ना, तो इसको 3/27, तो सी का हिस्सा निकल गया, सी का हिस्सा क्वेश्चन में गिवन था 1/9, उसको 27 के बराबर करने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3/17, तो रेशियो क्या बनी, देखना बन रहा है 8 + 16 = 24, 24 और 3 = 27, ये निकलती है न्यू रेशियो। अभी शायद आप लोगों को पहली बार लग रहा है, आने वाले दो महीने में यही क्वेश्चन चलता रहेगा। 3 जनों की ओल्ड रेशियो दी होगी, एक बंदे का न्यू दिया होगा, तो टोटल आपको 1 मानना ही पड़ेगा, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये सीबीएसई का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आता है हर बार, और अगले आने वाले कम से कम हमने 100 बार करना है ये क्वेश्चन। पहली बार है तो थोड़ा ज्यादा डिटेल में कराया, जिसको नहीं समझ आया घबराना नहीं है, इस चैप्टर का नहीं है ये, अगले चैप्टर का है, जब अगले चैप्टर का आएगा दोबारा करेंगे। हैं इधर देखो, अब इधर देखो डिंपल का एक, इसमें मेरे को बताओगे, अभी सोल्व करता हूं यार इसको भी, मैं पोस्टमार्टम करता हूँ, घबराऊ मत, मैं अंदर से तो मतलब डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ हूं। रेशो क्या बनी है, न्यू रेशो 8 16 3, अच्छा ये रेशियो है कि शेयर है, ये रेशियो है, ए का शेयर कितना है 8/27, बी का शेयर, ए बी सी की रेशियो
सिर्फ ए और बी की रेशियो, एट एट और 16 को अगर मैं काट दूं, वन रेशियो टू टंटने, वन रेशियो टू टंटने, देखा, इसको बोलते हैं मैथ का जादू। ये मेरा जादू नहीं है, देखो वन रेशियो टू बन रहा है, तो मतलब मैंने ए और बी की आपस की रेशियो को छेड़ा नहीं है, सिर्फ शेयर छेड़ दिया। आप शेयर जो मर्जी कर लो, रेशियो उनकी वही की वही रह रही है, वन रेशियो टू। तो देखो 8 और 16 को मैंने काटा था, 1:2 बन रहा था, अगर मैं सिर्फ ए और बी के लिए प्रूफ कर रहा हूँ। कोई ज्यादा चमत्कार नहीं है बेटा, मैं ये क्वेश्चन 700-800 बार कर चुका हूँ, जब से प्लस टू में हूँ और जब से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को पता लग गया कि क्या है, मैथ है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब अब मैथ नहीं, सी का नहीं होएगा ना, सी का तो नया शेयर गिवन था ना, ए और बी का सेम रहेगा। आया समझ? नहीं, मेरे को तो जो चीज समझ आती है बस, मैं ये मेरा हाईएस्ट मैथ है, बस इससे ज्यादा नहीं मेरे को समझ आता मैथ। चलो जी, यहाँ पे सर ये वाला क्वेश्चन है, मेरे को करके दिखाओ, लेट प्रॉफिट वाले क्वेश्चन से क्या निकलती है रेशो, इससे को करो, पता नहीं करो बस क्या। और भाई साहब 5 बजे तक का टाइम है, जो मर्जी करो चाहे ये करो, उल्टा अच्छी गल है कि सर कोई क्वेश्चन कराई। चलो चलो जी, निकालेंगे लेट प्रॉफिट, करो मेरे साथ साथ। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू वन, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू वन, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू वन। अब निकालो रिमेनिंग शेयर ऑफ, रिमेनिंग शेयर ऑफ अनु एंड मनु। तो टोटल बिजनेस का प्रॉफिट है वन, वन में से अगर मैं 1/5 को माइनस कर दूं तो बाकी शेयर बच गया अनु और मनु का। देखना क्या आ रहा है, 4/5 आ रहा है, 4/5 किसका शेयर बच गया, अनु और मनु का। तो मेरे को न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी पहले अनु की, तो 4/5 बच्चा ही अन्नू और मन्नू के लिए था, तो 4/5 का मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, उनकी ओल्ड रेशियो से, 1/3 से मत करना, अन्नू और मन्नू का निकाल रहे हैं ना, तो अन्नू और मन्नू की रेशियो थी ओल्ड 1:1, उसको बराबर रखना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया 4/10 मन्नू के लिए बच्चा, तो टोटल प्रॉफिट 4/5 ही था, मन्नू के लिए भी 1/2। ये आपको पता लग गया 1/2 कहां से लिया, दोनों की ओल्ड रेशियो से। अच्छा सर, इसी में मेरे को बताओ तन्नु का कैसे निकलेगा, तन्नु का शेयर तो क्वेश्चन में गिवन था 1/5, लेकिन डिनोमिनेशन तीनों की बराबर होनी चाहिए ना मैथ में, अगर आपने रेशियो निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए, ऊपर या नीचे या दोनों, मैथ यही कहता है ना दोनों साइड मल्टीप्लाई करने, तो रेशियो क्या बन जाएगी 2/10। तो न्यू रेशियो क्या बनी, 4:4:2, इसको काट दो, 2:2:1। पता नहीं किसने बनाया था मैथ, है ना, वैसे जो भी है चमत्कार हो जाता है। 2/2 को आगे अगर आप काटोगे ना ए और बी को, फिर से 1:1 निकल आएगा, और उनकी रेशियो भी ऊपर 1:1 ही चल रही थी। अच्छा जी, न्यू रेशियो आ गई है, ओल्ड रेशियो आ गई है, सैक्रिफाइसिंग निकालो, गुडविल कैसे बांटेगा, खुशली नाम ने बांट दी सैक्रिफाइसिंग, कितनी आई है, -1/15, -1/15, 2/15, जर्नल एंट्री बोलो, इन द फॉर्मेट 2 क्या आएगा, मैं गलत नहीं कर रहा कि ठीक कर रहा हूं, ठीक है। अमाउंट बोल दो, पीछे आंसर है, यार देखना ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म क्या थी, नहीं यार ये गेन है ना डिंपल, ये गेन है, ये गेन है, सैक्रिफाइस है, गेन ऊपर आएंगे ना,
क्या 5 बजे तक क्लास है बेटा, बोला हुआ है ऑलरेडी, 3 दिन क्लास 5-5 बजे तक है। क्या कह रहा था दोस्त? लगा लेंगे बाजियों का क्या है? मतलब जो बाजी इसकी है उसमें क्वेश्चन अब कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन ना डब्ल्यू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाला, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। अब फिर से गर्व डांटेगा, कहेगा 9 है तो 9 ए भी है। पूरे 50 है, पूरी 50 है, पता नहीं 49 है। ये सेम से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ भाई साहब। टारगेट याद है मेरा, 100 नंबर का ड्रीम है मेरा, और तुम्हारे थ्रू पूरा करवाना है मैंने। 5-5 बुक से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहा हूँ। बात करते हो, एक मिनट तुसे दोनों कर लो पहले, कुछ और नहीं करना। चलिए, नहीं तो 5 से 5:15 हो जाएंगे। देखो मैं तो वेला, तुसे देख लो काम कार, काम जड़ा मर्जी कर लो। इकोनॉमिक्स करना है अकाउंट्स कर लो, अकाउंट्स करना है इकोनॉमिक्स कर लो। कल तो तू उस चेयर पे बैठा करी अलग, तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी यार तेरी, ऐ कर करके ऐ कर करके। हरदीप एंड संदीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशियो 4:1 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम दिस। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022 शोज अ बैलेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000, जनरल रिजर्व 1,00,000, पास द जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ पीएसआर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का टॉपिक है ये। अब क्वेश्चन में दोनों प्रॉफिट्स हैं कि दोनों लॉस हैं? प्रॉफिट कौन सा है, लॉस कौन सा है? क्वेश्चन में करना क्या, लास्ट टाइम पढ़ना पास जर्नल एंट्री। अब पास जर्नल एंट्री एक्यूमुलेटेड के दो टॉपिक होते थे, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना। क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, करो जी एंट्री। क्वेश्चन नंबर बोलो इन द फॉर्मेट, डेट बोलो जी, डेट क्या दी हुई है? 1/1/4 ठीक है जी। प्रॉफिट कौन सा है और लॉस कौन सा है? पहले एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट लॉस है, लॉस बांटने की जर्नल एंट्री। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नेम बोलो, पार्टनर्स के नेम बोलो, हरदीप कैपिटल डेबिट, हरदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगला क्या था, संदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में क्या आएगा? टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि लॉस होने से पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट कर दी। बोलो एडवर्टीजमेंट कितना है टोटल? 20,000। रेशियो बोलो जी, ओल्ड रेशियो है ये 4:1, 16,000 4,000। अगला क्या, जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? प्रॉफिट होने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी क्रेडिट। डिंपल क्या बोल रहा है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू हरदीप टू संदीप, जर्नल रिजर्व कितने हैं? 1,00,000। 4:1 में बांटना है कि इक्वल बांटना है अब इसको? फिर इक्वल रेशियो, वो न्यू रेशियो गिवन क्यों थी, कंफ्यूज करने के लिए। 80,000 20,000 नीचे लिखो, नरेशन बींग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। बींग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो,
करो टिक करो नो को। 9A में देखना प्रॉफिट कौन सा है लॉस कौन सा है। 9A में लॉस है कि प्रॉफिट है। लॉस है और दूसरा दोनों ही लॉस है। एक बंदा कह रहा है दोनों ही लॉस है, कोई और इंदर दोनों लॉस है क्यों। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिए हुए लॉस है तो इकट्ठे एंट्री कर देना। एक्स अकाउंट डेबिट वाई अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। हाँ मतलब 70,000 को बांट देना। अलग अलग करनी है तो भी अलाउड है सीबीएसई में इकट्ठे भी। अगला क्वेश्चन 9th है होमवर्क है। अगला जल्दी टोमी रोमी वाला क्वेश्चन नंबर 10। 2 मिनट में हो जाना चाहिए। टोमी रोमी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 4:1 डिसाइडेड 3:2। ओल्ड कौन सी है न्यू कौन सी है। न्यू आगे ऑन दैट डेट पी एंड एल अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस 1,50,000 प्रॉफिट है कि लॉस है। कैसे पता चला। बहुत बढ़िया। रिजर्व फंड प्रॉफिट है कि लॉस है। जर्नल रिजर्व का दूसरा नाम होता है रिजर्व फंड। ठीक है जी आगे। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। केस नंबर 1 क्या दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट द टू कैपिटल अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री बनेगी पहली पी एंड एल वाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। केस नंबर 2 क्या बनेगा देखना। दे डोंट वॉन्ट और पास द। हाँ चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 केस 1। क्वेश्चन नंबर 10 केस 1 पार्टनर्स के नेम बोलो। शुक्र है रोमी मैडम ही बोले टोमी ना कुछ बोल दे। टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस। चलो 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 जल्दी पी एंड एल का डेबिट बैलेंस बोलो कितना है टोटल। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस बोल दो। ओल्ड रेशो बोलो जल्दी। 4:1 मतलब कितना बनेगा 1,20,000 और 30,000। ठीक है जी चलो आगे। प्रॉफिट एंड लॉस बांट दे। यार मेरे को लग रहा है मैंने एंट्री शायद रिवर्स कर दिया कि ठीक है देखना यार एंट्री ठीक ही है। पी एंड एल डेबिट बैलेंस ही गिवन है ना पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। हाँ ठीक है। डिंपल है मेरे को कंफ्यूज कर रहा है था गलत है। आगे क्या बांटना है रिजर्व फंड। डिंपल चार्जर दे। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू टोमी टू रोमी। रिजर्व फंड कितना है 2,00,000। बेटा नाम कर दिए। रिजर्व फंड 2,00,000 है। 2,00,000 को किस रेशो में बांटना है 4:1 1,60,000 40,000। केस नंबर 1 खत्म हो गया। सर केस 1 ज्यादा सौखा है वैसे। केस 2 में क्या करना पड़ेगा अब। चलो 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 जल्दी केस 2। केस 2 जब प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने एडजस्ट करने हैं। ओल्ड माइनस न्यू। टोमी की ओल्ड बताओ 4/5। न्यू क्या है 3/5। ये आ गया 1/5। ठीक है जी खत्म। अगला आंसर गुरकिरत को पहले ही पता है -1/5 आएगा। 1/5 -2/5 -1/5। देखना गेन किसको हुआ है सैक्रिफाइस किसको हुआ है। सैक्रिफाइस इसको। ठीक है जी अब पहले मेरे को नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। रिजर्व फंड कितने हैं। रिजर्व फंड है 2,00,000 उसमें से माइनस कर दो लॉस पी एंड एल का डेबिट बैलेंस तो 1,50,000 माइनस कर दो तो बाकी बच गया 50,000। तो बस हम 50,000 की नेट एंट्री करेंगे नेट प्रॉफिट की। पता चल गया क्या है। जो प्रॉफिट है उसमें से लॉस माइनस कर दो। प्रॉफिट था टोटल 2,00,000 का लॉस था 1,50,000 का तो बस नेट प्रॉफिट कितना बच गया 50,000। तो 50,000 को बांट देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइस। एंट्री क्या बनेगी रोमी टू टोमी। टोटल है 50,000। शेयर क्या था 1/5 के 1/10 1/5 तो टोटल आ जाएगा 10,000। 2 मिनट का क्वेश्चन है बात है कोई है घबराते रहते हो तुसी। कौन जी बस किन्ने बोलिया। अच्छा वैसे मैंने पूछना है क्यों चाहिए ये क्वेश्चन। गर्व हंस रहे कहते सर यार तुसी भी कमले हो ये क्वेश्चन पूछने की गल है कि किसने किया है।
अब करेंगे एक डॉक्टर वाला क्वेश्चन, डॉक्टर डॉक्टर क्लेम क्लेम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। चलो लास्ट डॉक्टर और इन्वेस्टमेंट वाला ना एक क्वेश्चन मैंने इकट्ठा ही बनाया हुआ है, IFR और WCR वाला, वही क्वेश्चन ही ढूंढ लेते हैं बस, वही लास्ट। वैसे करवाने का मन तो दो था, लेकिन चलो मेरे भाई बंधु बोल रहे हैं कि एक ही करा दो। चलो क्वेश्चन नंबर 21। हाँ देख लो, अगर किसी को दिक्कत है तो कोई और क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई और करा दूं। चल बहुत बढ़िया, अब तीन टॉपिक होंगे बीच में, इसमें गुडविल नहीं था, गुडविल वाला ढूंढने तो एक क्वेश्चन बनाया था उसमें, री गुडविल ही है, IFR है पड़ा, गुडविल है पड़ा। हाँ वही ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 ABC। ABCR पार्टनर्स, हाँ इसमें सैक्रिफाइसिंग नहीं निकालनी पड़ेगी, उसमें जरूरी थोड़ी है, 22वां ही है। मैंने एक क्वेश्चन बनाए हुए हैं जिसमें IFR, WCR, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नोट और रिवैल्यूएशन, फिर वो ढूंढना पड़ेगा। ABCR पार्टनर्स 113 डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 21221। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, क्या क्या दिया हुआ है जी बैलेंस शीट में? IFR कितना है? 80,000। WCR कितना है? 2.5 लाख। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2 लाख। P&L का डेबिट बैलेंस 1,30,000। इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक किसको आता है? क्वेश्चन कराए नहीं ना ज्यादा, अब पता चल जाएगा। केस नंबर 1 पे ध्यान देना सिर्फ। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,70,000 एंड नो क्लेम फॉर WCR, पहले WCR की बात कर लो, वर्कमैन कंपनसेशन में हमने कितना पैसा बचा के रखा हुआ है? 2.5 लाख पढ़ना आ गया, मतलब ठीक है जी। क्लेम मांगने वाले कितने आए? सारा का सारा किसको बांट देंगे? बांटो फिर बांटो, क्या करना। 21 का केस नंबर 1 बना लो जी फॉर्मेट, ये देख WCR अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स के नेम बोलो जल्दी, 2A 2B 2C। WCR में पैसा पड़ा था, आप लोग कह रहे हो 2.5 लाख पड़ा था, ABC में बांट दो क्योंकि क्लेम मांगने आए 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लो टू क्लेम में 0। रेशो बोलो 113, 50,000 50,000 1 लाख, नहीं 50,000 50,000 1.5 लाख। WCR की एंट्री हो गई है ना, कोई नहीं बताता हूँ, सब्र करो आराम से, आखिरी क्वेश्चन है इसके बाद छुट्टी। अब इधर देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है? 1,70,000, जबकि मैंने खरीदी कितने की थी इन्वेस्टमेंट? कितने का लॉस हुआ? 30,000 का लॉस हुआ। कैसे? 2 लाख की खरीदी थी, 1,70,000 की रह गई, लेकिन 30,000 का जो लॉस हुआ उसके लिए मैंने पहले ही इन्वेस्टमेंट फंड में कितना, इन्वेस्टमेंट फंड में मैंने कितना पैसा बचा के रखा हुआ था? 80,000। तो 80,000 में से 30,000 इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा, बाकी कितना बच जाएगा? 50,000 किसको बांट देंगे? ठीक है, एंट्री देखो, IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड अकाउंट डेबिट, फंड में कितने पैसे पड़े? 80,000। 80,000 में से कितने पैसे इन्वेस्टमेंट को दे दिए? इन्वेस्टमेंट को दे दिए 30,000। सर ये 30,000 कैसे आया था? जो लॉस हुआ था, और बाकी बच गए 50,000, बांट दो ABC को। ये आएगा 10,000 10,000 30,000। इन्वेस्टमेंट फंड बट गया, WCR बट गया, बैलेंस शीट में देखो एक और आइटम बच गई है, P&L का डेबिट बैलेंस, लॉस है कि प्रॉफिट है? वो भी बांटो पार्टनर्स में, ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू P&L डेबिट। कितने का P&L का डेबिट लॉस पड़े? 1,30,000। हम निकाल लो यार इसका, 1/5, 5 × 2 = 10, 2 × 6 = 26,000। देखिए यार गर्व, 26 26 कितने होते हैं? 52 76।
केस वन किसको क्लियर हो गया है? आ गया केस वन समझ? आगे केस टू खुशकरण आया समझ या कोई डाउट है? केस नंबर टू, किसी भी चीज की ना शुरुआत मुश्किल होती है, एक बार शुरू हो गया ना फिर तो यार बस रुको ना। हाँ, यू मीन टू से डार्कनेस, ओके है ना, वैसे अगर इंग्लिश में बोलो वो डार्कनेस ले आएंगे। चलो केस नंबर टू। हाँ उसका भी क्वेश्चन समझ आ गया, इंद्रजीत वाला। सॉरी सॉरी, एंट्री करनी है भैया। केस नंबर टू, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इधर 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 मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 6 लाख, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितने का? 4 लाख, 4 लाख का, ठीक है। एंड 40,000 इज क्लेम फॉर WCR, मतलब दो अलग अलग किस्से हैं, इन्वेस्टमेंट का अलग है, WCR। पहले WCR का किस्सा निपटाते हैं। WCR में कितने पैसे पड़े हैं, कितना डॉक्टर क्लेम मांगने आ गए, पार्टनर्स के लिए कितना बचा? हाँ करो एंट्री। WCR अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, टू क्लेम, क्लेम में कितने पैसे थे, कितने एम्प्लॉइज आ गए क्लेम मांगने, तो बाकी रह गया 2,10,000। 2,10,000 को बांट दो पार्टनर्स में 1:1:3 में, तो 2,10,000 का 3/5, 5×4=42, देखना यार 1,28,000 आ रहा है गर्भ। देखना ठीक है, 42 42 1 26। हाँ फिर उन्हें क्या 26, फिर मैं करया कैलकुलेशन 26 बन रहे हैं, 42 42 1 26। खुश करें, ये समझ में आ गया आपको? WCR में पैसे पड़े थे 2.5 लाख, क्लेम मांगने वाले आ गए 40,000, तो क्लेम में डाल दो, बाकी जो बच गया पार्टनर्स में, याद है कौन सा था? डेमो वाला। अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट एक तो मेरा 4 लाख बढ़ गया, तो सबसे पहले तो जो IFR था ना, इन्वेस्टमेंट वाली एंट्रीज देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले IFR का पैसा बांट दो ABC में, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, तो IFR का जो भी पैसा पड़ा है सारा पार्टनर्स में बांट दो। IFR में पड़े थे वो भी करेंगे इकट्ठे कर दें, ये लो IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट हो गया, IFR अकाउंट डेबिट और फिर रिवैल्यूएशन डेबिट। IFR में 2 लाख रुपए पड़ा था, IFR में कितना पैसा पड़ा था? 2 लाख किसमें था यार? अच्छा IFR में 80,000, और टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4 लाख का, तो बिजनेस में अब 4,80,000 हो गया, तो 4,80,000 पार्टनर्स में बांट दो ABC में। नाइन्टी सिक्स। अगला तो घर भी निकाल सकता है, 2,78,000। लेकिन अभी इसकी एक और एंट्री भी बनेगी, रिवैल्यूएशन को इन्वेस्टमेंट में डाल देना, फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। फिर ये वाले पैसों को इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना होता है और रिवैल्यूएशन को कैंसिल कर देना होता है। इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दो जो प्रॉफिट हुआ था, 2 लाख वाली वैल्यू 6 लाख की हो गई थी, और रिवैल्यूएशन को पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट करके खत्म कर दो। टू एट्टी एट केस नंबर सी, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, पहले इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 2 लाख की, अब कितने की बच गई? 2 लाख की। कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ?
तो जितना आईएफआर में पड़ा है 80,000, सारा का सारा पार्टनर्स को बांट दो। करो एंट्री आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एबीसी। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एबीसी, आईएफआर है 80,000, ए को मिलेगा नहीं यार 16 16 48, 16 16 48। आईएफआर अकाउंट डेबिट 80,000 टू एज कैपिटल 16,000, टू बीज कैपिटल 16,000, टू सीज कैपिटल 48,000। किसको समझ आई है एंट्री, ठीक है कि गलत है? ठीक है ना? हाँ। एंड एक मिनट, एंड 2,50,000 एंड क्लेम फॉर डब्ल्यूसीआर। डब्ल्यूसीआर में कितना पैसा पड़ा है? क्लेम मांगने कितने आगे, पार्टनर्स को कितना मिला? हाँ, तो एंट्री करो डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू क्लेम 2,50,000। केस थ्री की सेकंड एंट्री डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू क्लेम 2,50,000। 2,50,000 पड़ा था, सारा का सारा क्लेम वाले ले गए, पार्टनर्स के लिए बचा 0। केस थ्री खत्म हो गया, केस फोर पे आ जाओ। अच्छा सॉरी, केस फोर है यार। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 10 लाख और 4 लाख हो गया क्लेम। ओए होए होए, करो जी पहले क्लेम कर लो, ये लो पहले क्लेम की एंट्री कर लो। डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूसीआर में पड़े हैं 2,50,000, क्लेम मांगने वाले कितने आ गए? 1,50,000 एक्स्ट्रा हो गया ना, रीवैल्यूएशन डेबिट। रीवैल्यूएशन में आएंगे 1,50,000 रुपए, टू क्लेम, क्लेम मांगने वाले आ गए 4 लाख। पार्टनर अब ये वाला रीवैल्यूएशन का पैसा किससे मांगेंगे? पार्टनर से। क्या नाम है पार्टनर्स का? एबीसी टू रिवैल्यूएशन। 1,50,000 रुपए रिवैल्यूएशन का था, 30,000, 30,000, 90,000। चलो इन्वेस्टमेंट की एंट्री तीसरे की तरह कर लेना, थर्ड की तरह है, बिल्कुल प्रॉफिट वाली है। कुछ